अपराध पर लगाम लगाने के लिए भागलपुर पुलिस ने कमर कस ली है। जिला पुलिस कप्तान बाबूराम ने बदमाशों और हिस्ट्री सीटरों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश सभी थानेदार को दिया है। अपराध नियंत्रण के लिए एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को नसीहत भी दी है। शुक्रवार को भागलपुर समीक्षा भवन में चली करीब 3 घंटे की बैठक में एसएसपी ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी और अपराध नियंत्रण प्रशासन के लिए चुनौती का विषय है। एसएसपी बाबूराम ने समीक्षा भवन में सभी एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीओ के साथ आमने सामने बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य मुद्दा शराबबंदी को लागू करना, शराब माफियाओं पर नकेल कसना, शराब माफियाओं का गांववार सूची बनाना, देशी शराब के हॉटस्पॉट की सूची बनाना, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करना समेत कई विषय थे। एसएसपी ने कहा कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 7 एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम बनाई गई है। बाबूराम ने समीक्षा के दौरान टीम के कार्यों की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में केस निष्पादन, लंबित कांड सहित कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। एसएसपी ने कहा कि कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं थानेदारों को टास्क देते हुए एसएसपी ने सर्किल इंस्पेक्टर एवं एसडीओ को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी। वरीय पुलिस कप्तान बाबूराम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। बैठक में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, विधि व्यवस्था डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी और एसएचओ मौजूद थे।